नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। मैं आर्य, नमस्ते। आप आज यहाँ उसी घटना में, इससे पहले जो आपने एक वीडियो देखी थी रुपावपुर गांव की, जहां पर एक हत्या हुई, पीड़िता का आरोप, पीड़िता ने लगाया आरोप, कहा कि ससुराली जनों ने हमारे पति को संपत्ति की लालच में, हमारे विकलांग पति को फंदा लगा करके, फांसी लगा करके मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये बात सामने आई कि हैंगिंग की वजह से मृत्यु हुई, महेंद्र कुमार की हैंगिंग की वजह से मृत्यु हुई। चलिए बात करते हैं इस संबंध में। अभी तक खबर चलने के बाद और कार्रवाई करने के बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुई, शासन प्रशासन द्वारा इसको संज्ञान लिया गया कि नहीं लिया गया, आगे क्या कार्रवाई की गई, चलिए इस संबंध में बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मन्नू देवी। मन्नू देवी, क्या हुआ जब से वीडियो चली है और क्या कहते हैं एप्लीकेशन गई है, तो उसके बाद से कोई कार्रवाई हुई? जी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शक आपका उन्हीं लोगों पर है जी। ये जो आप बता रहे थे पिछले वीडियो में कि फंदा लगा था उनके गले में, फंदा लगा था, तो आपको जैसे कि वहां बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा बताया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है कि हैंगिंग की वजह से मृत्यु हुई, क्या आपको लगता है कि वो स्वयं फांसी लगा सकते थे? जी नहीं, स्वयं फांसी नहीं लगा। कैसे? क्योंकि उनका जो है आधा हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था। तो कौन सा? बाया दाया? जी बाया, बाया हिस्सा जी। तो अपने हाथ पैर दोनों? जी दोनों। चल नहीं पाते थे जी? पैर रगड़कर हल्का फुल्का चलते थे। पैर रगड़कर हल्का फुल्का चलते थे, किसी तरीके से अपनी रोजमर्रा के जीवन को अपनी पत्नी मन्नू देवी के सहारे वो जीते। घर में अलग थे वो? जी नहीं। हाँ, क्या था? जी अलग नहीं थे। हाँ जी, पूरी फैमिली एक में थी। हाँ, पूरी फैमिली एक में थी। तो आपने तो पिछले वाले वीडियो में बताया कि काफी उनसे दुर्भाव किया जा रहा था, काफी दूरी बनाकर चला जा रहा था, काफी घृणित व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था, क्या बताया? जब से बीमार हुए थे तब से। हाँ, उनको जो है उनकी थाली अलग कर दी गई, उनका साबुन अलग कर दिया गया और उनका मंजन भी अलग। कौन कौन रहता था फैमिली में उनके? फैमिली में तुम्हारे पति के कौन कौन लोग फैमिली में रहते थे? जी उनके मम्मी पापा, भैया भाभी, दो बच्चे। तो ये लोग कैसे उनके बर्तन को अलग कर दिए, मतलब क्या लगता है आपको, क्यों इन्होंने ऐसा किया होगा? जी कहीं उनको भी ना हो जाए, इसीलिए उनका बर्तन। आप देख सकते हैं सीधे जुबानी पीड़िता की अपनी कहानी और सीधे जुबानी लकवा मार जाता। 2019 में महेंद्र को लकवा मार जाता है, एक बाया अंग का हाथ और पैर दोनों काम करना बंद कर देते, काम करना बंद कर देते। उसके बाद घर में भी अपनों द्वारा जो माँ बचपन से पालती है, भाई बाप सभी लोगों द्वारा उनके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, उनके थाली अलग कर दी जाती है, उनके लोटा अलग कर दिया, और यहाँ तक टूथपेस्ट और साबुन भी उनका अलग कर दिया जाता है। इस तरीके का घृणित व्यवहार जिससे कि मानसिक रूप से व्यक्ति प्रताड़ित भी होता है, अगर अपने ही ऐसा करने लग जाए कि जैसे कि माता के बारे में लोग उदाहरण देते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, और माता ने ही और अपने बाप ने ही और अपने भाई ने ही अपने के साथ महेंद्र कुमार के साथ ऐसा बर्ताव किया। और इनका कहना है, क्या लगता है ये हत्या क्यों हुई, आपको क्या लगता है? ये संपत्ति के लालच में। संपत्ति के लालच में कैसे कह सकती है आप? वो फांसी नहीं लगा सकते अपनी जी? कोई और भी रीजन हो सकता है इसका जी? कोई और रीजन था क्या? कहीं और से तो वो नहीं प्रताड़ित थे, कहीं और से तो वो दुखी नहीं थे? जी नहीं। है? जी नहीं। इन्हीं लोगों द्वारा क्या मारा पीटा भी जाता था क्या? जी बहुत मारते थे। कौन मारता था? जेठ हमारे बबलू। हाँ। और रामशंकर अवस्थी। क्या कहते थे, क्यों मारते थे? कहते थे तुम किसी लायक के नहीं बचे हो, तुमको हम देखते हैं तो हमारा जी उबता है, और तुम मर जाओ तभी ठीक है। आप सुन रहे हैं सीधे जुबानी कि अपने द्वारा ही जब पूरी तरीके से लाचार हो जाते हैं, जब हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, तो उसके बाद उन लोगों द्वारा मारा पीटा जाता है। आपके सामने कभी मारा पीटा? जी हमारे सामने। तो आप बचाओ में नहीं उतरी, आपने बचाया नहीं उनको? जी हम बचाने गए तो हमको भी मारते थे। आपको भी मारते थे? तो जब आपको मारा पीटा जाता था, आपके पति को मारा पीटा जाता था, तो उस संबंध में आपने थाना बदोशराय में कोई एप्लीकेशन, कोई तहरीर दी? कौन सा गाँव है आपका ससुराल? ग्राम रूपोपुर। थाना कौन सा पड़ता है? बदोशराय, जिला बाराबंकी। तहसील? सिरौली गौसपुर। तो इस संबंध में आपने शासन प्रशासन में या बदोसराय की पुलिस या आपने एसडीएम को कहीं भी कोई आपने तहरीर दी, कोई प्रार्थना पत्र अपना दिया? एक बार दिया था। जी। एक बार दिया था तो क्या हुआ जी? कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई जी? नहीं। जब इस संबंध में इन्होंने कहां पे आपने दिया था? कोतवाली में दिया था, तहसील में कहां पे दिया था? थाने में जी। थाने में? बदोसराय। थाना बदोशराय में इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी, अपनी पीड़ा बताई, और अपनी पीड़ा बताने के बाद अपनी एप्लीकेशन दी, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, यही तो बात है जी। कोई कार्यवाही नहीं हुई।
कोई कार्रवाई नहीं हुई, घटना से हाथ होकर के इन्होंने चुप रहने में ही अपनी बड़ाई समझी। क्यों? क्योंकि पति तो कमाता नहीं था, पति काम करने से और कमाने से लाचार हो गया था, घर वालों की प्रताड़ना सहनी पड़ रही थी और इनको भी दो रोटी के लिए भटकना ना पड़े, इस वजह से इन्होंने अपना मुंह बंद रखा। क्या कहना आपका? जी यही सच है। आपको भी मारा जी? आपसे क्या कहते थे? कहते थे कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कौन बचा है हमको। इनसे भी ये कहा जा रहा था कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कौन बचा, तो तुमने क्या कहा? तुमने कितने साल अपने पति की सेवा की? जब 2019 के बाद उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, उसके बाद आपने कितने साल अपने पति की सेवा की? चार साल सेवा की। चार साल सेवा की। चार सालों में कितनी बार मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ? कई बार हुआ। आपने थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया, तो थाने में आपसे क्या कहा? एप्लीकेशन दिया थाना बदोशराय में, तो क्या हुआ? जब हम वहाँ पहुँचे, हाँ। तो जो है हमारे ससुर लोग बहुत बड़े आदमी हैं, तो वहाँ जब हम पहुँचे हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई, क्योंकि वो लोग थाना भी मिला रखे थे और हमको वहाँ से भगा दिया गया। भगा दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई? जी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना बदोशराय पहुंची, जब इनके पति को मारा पीटा जा रहा था ससुराली जनों द्वारा, इनके ससुराली जनों द्वारा और इनके पति के भाई और माँ और सभी लोगों द्वारा जब उनको मारा पीटा जा रहा था, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाया और एप्लीकेशन लिखवा करके थाना बदोसराय गई। बदोसराय की पुलिस के पास इनके इनका कहना, इनका आरोप है कि इनके ससुर ने पहले ही फोन कर दिया, काफी बड़े लोग हैं और काफी बड़े होने का फायदा उठाया, प्रभावशाली व्यक्ति है वहां पर है, उनके विरुद्ध FIR नहीं लिखाई जा सकती और शायद वही आज भी हो रहा है। आज महेंद्र इस दुनिया में नहीं है, महेंद्र हम सबके बीच में नहीं है, ये अकेले जीवन अपने घर यहाँ मोहिजुद्द कौन सा गाँव है, मजीउद्दीनपुर, मजीउद्दीनपुर तहसील राम से नहीं गांव के अंदर में आता है, यहाँ पर अपने ससुराल में रह रही है, मायके में रह रही है, अपने मायके में रह रही है और यहाँ पर अब इनका कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं। इनकी दोनों बेटियां कहाँ है आपकी? बेटियां इनकी ससुराल में ले लिया गया है और इनका कहना है कि प्रॉपर्टी की वजह से हमारा पति विकलांग था, फांसी नहीं लगा सकता था और प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इनको पहले ही घर से बाहर कर दिया गया और उसके बाद इनके पति की हत्या कर दी गई। देखते हैं इस पर क्या संज्ञान लेता शासन प्रशासन, आज इस समय योगी राज है, योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे आप योगी आदित्यनाथ से, क्या चाहती है कि क्या होना चाहिए? न्याय होनी चाहिए। क्या न्याय चाहती है? आरोपियों को जेल भेजा जाए क्या जी? FIR लिखी जाए, क्या चाहती है? FIR लिखी जाए और जेल भेजा जाए। जेल भेजा जाए, हत्यारों को जेल भेजा जाए, जेल भेजने की मांग की जा रही है पीड़िता द्वारा, हत्यारों को जेल भेजा जाए और शासन प्रशासन और योगी सरकार से भी न्याय की उम्मीद और आस लगाए बैठी आप सभी लोग देख रही है।